अपनी मर्जी से रही है, मैं से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, उस पर मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अपने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से रही है, मैं से कोर्ट मैरिज की है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरा नाम राजा कादमी है, मैंने अपनी मर्जी से रही है, मैं उससे शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, मैंने अपनी मर्ज़ी से रही है, मैंने कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा नाम राजा काजी है, शादी की है, मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। देखिए ये मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा का, मेरी शादी का, ये है 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो 18 साल की कैसी हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाकया पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का, ये इसमें सेम एज, ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सबने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद है। अभी जो बच्ची बयान दे रही है वो उनके प्रेशर में दे रही है, मैं 100% श्योर इस चीज़ के ऊपर। मेरी बच्ची जिस तरह वीडियो में बोल रही थी वो ऐसे नहीं बोलती, उसे रटा रटाया जो बुलाया जा रहा था वो बोल रही जी। बिल्कुल, ये सारे एविडेंस नादरा के, इवन पासपोर्ट तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसका। अच्छा, मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि देखें, बहुत सारी नेगेटिविटी आई है विदाउट एविडेंस। अब देखें, ये मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो सब झूठ पे झूठ 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 पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी बच्ची, अपनी बच्ची समझकर इस चीज़ को आगे लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता मुझे बच्ची मुझे दी जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, उनके हवाले बच्ची की जाए, यहाँ कराची में लाई जाए, वहाँ की इन्वेस्ट वो नहीं मैं मानता, इसलिए कि वो उसको ज़बरदस्ती उससे वो बयान ले रहे हैं और जो वो कहेंगे वो बोलेगी। मेरा नाम निम्रा काजमी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काजमी है और मैं कराची एसएम में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह कराया और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं कराया। बाकी मुझे मीडिया से सारी वीडियोस वगैरह हटवानी है और निकाह।